फ्रेंड्स मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले ऐसे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल, ठीक है। इसके बाद मैं कीबोर्ड की मदद से एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये थर्ड पार्टी सर्च इंजन है, गूगल का सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। अगर गूगल का सर्च इंजन होता तो यहाँ पर गूगल लिखा हुआ आ जाता, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ से मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री डॉट बने हुए हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से फ्रेंड्स सेटिंग्स में आ जाता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च इंजन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पोशोकश इंजन सर्च, ठीक है। ये बल्गारियन लैंग्वेज का वर्ड्स है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अभी पोशोकश सर्च इंजन सेलेक्ट हुआ हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोसिया, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से न्यू टैब ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोसिया सर्च इंजन आ चुका है, ठीक है। अगेन मैं सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गूगल, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से न्यू टैब ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल का सर्च इंजन आ चुका है। चले मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं आपके सामने गूगल का ये इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। और फर्स्ट वाला फ्रेंड्स जो ऑप्शन था मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इस तरीके से आपके सामने आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का सर्च इंजन आ चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम परमानेंट लिस्ट को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने होम पेज पर, मैं आपको बता देता हूँ। अगेन मैं सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ, ठीक है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम डिलीट किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसे गूगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज सर्च इंजन एंड साइट सर्च, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल के अलावा भी बिंग, याहू, इकोसिया, पशुकश सर्च इंजन आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम डिलीट किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अगेन यहाँ से डिलीट, ठीक है। और उसके बाद अगेन इस थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अगेन यहाँ से डिलीट, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इन दोनों सर्च इंजन को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ गूगल का सर्च इंजन आपके सामने बचा है, ठीक है। मैं अगेन न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कीबोर्ड की मदद से एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि गूगल का सर्च इंजन कम्प्लीटली आपके सामने आ चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से अपने होम पेज पर गूगल के सर्च इंजन को परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।